फटाफट खबरें स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में पूजा। फटाफट नजर डालते हैं जिले भर की तमाम बड़ी खबरों पर। उद्योग विहार चौराहा की 110 कंपनियों को निगम का प्रॉपर्टी टैक्स देने से इनकार। 19 वर्षों से नगर निगम औद्योगिक इकाइयों के बीच टैक्स को लेकर चल रहा है टकराव। मामले का हल अब कोर्ट के माध्यम से निकालने का चल रहा है प्रयास। अधिकार क्षेत्र को लेकर उठाई गई थी आपत्तियां। नगर निगम पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में रखेगा अपना पक्ष। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने वाले प्रोफेशनल कोर्स प्रारंभ करने की मिली अनुमति। प्रदेश सरकार ने शुरू की व्यवस्था। शिक्षा विभाग के द्वारा अनुदान प्राप्त स्कूलों के कर्मचारियों को वेतन और एरियर का भुगतान के नाम पर कर्मचारियों ने अपने करीबी और रिश्तेदारों को ही लाखों रुपयों का किया था भुगतान। जांच की 3 दिन में हुआ खुलासा। शिक्षकों के नाम पर कारोबारियों को भुगतान का खुलासा। 3 ब्लॉकों के प्राचार्य के भी बयान हुए दर्ज। विंध्य संग्राम परिषद की बैठक में आकाशवाणी रीवा के कार्यक्रमों से छेड़छाड़ पर हुई चर्चा। मनीष तिवारी ने कहा, बर्दाश्त नहीं होगा कार्यक्रमों का बंद करना। जिला अंतर क्रिकेट प्रतियोगिता के अंतर्गत स्थानीय अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय मैदान में सीधी एवं कंबाइंड डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली और सतना के जिलों के खिलाड़ियों को मिलाकर बनी टीम ने सीधी को हराया। कंबाइंड डिस्ट्रिक्ट की ओर से इशिता सिंह ने बनाए नॉट आउट 150 रन। संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता की मौत पर हत्या की जताई गई आशंका। समान थाना क्षेत्र के शक्तिनगर निवासी साक्षी मिश्रा ने फांसी लगाकर की थी आत्महत्या। गेहूं खरीदी में गुणवत्ता का सत्यापन नहीं, केंद्र प्रभारियों से जवाब तलब। दिल्ली से आई टीम ने 1.5 दर्जन स्थानों पर की जांच। बलात्कार के आरोपी ने पीड़िता को बनाया बंधक। न्यायालय परिसर में ले जाकर समझौते के लिए बना रहा था दबाव। नई गढ़ी पुलिस ने दर्ज किया मामला, आरोपी गिरफ्तार। जल जीवन मिशन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मिशन के कार्य की कराई जाएगी मॉनिटरिंग। जिला स्तरीय दिशा समिति की बैठक हनुमाना जनपद के बहुत ही ग्राम पंचायत में हुई आयोजित। सांसद जनार्दन मिश्रा ने दिया निर्देश। बाइक चुराने वाला सातिर बदमाश गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपी किशन चिकवा से 5 गाड़ियां बरामद। कोतवाली पुलिस ने की कार्रवाई। मोटरसाइकिल सवार ने युवक को मारी टक्कर। आरोपी वाहन चालक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला हुआ दर्ज। कोतवाली थाना क्षेत्र के पुष्पराज नगर में हुई घटना। घायल लाल बहादुर यादव की शिकायत पर हुई कार्रवाई। लापरवाही पूर्वक स्कॉर्पियो वाहन चलाते हुए चालक ने मारी टक्कर। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पवन होटल के सामने ठेकाह में हुई घटना। घायल विवेकानंद पांडे की शिकायत पर स्कॉर्पियो क्रमांक MP17CC8608 के चालक के खिलाफ हुई कार्रवाई। पुरानी रंजिश को लेकर युवती की स्कूटी में तोड़फोड़। विरोध करने पर जान से मारने की मिली धमकी। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के तिलक नगर निवासी नीलम पाठक के साथ गौरव सिंह और कल्पना सिंह ने की मारपीट। लापरवाही पूर्वक बस चलाते हुए कार को मारी टक्कर। खट्टा मोड़ के पास हुई घटना। कार सवार सुशील द्विवेदी और उनकी मां राजकिशोर द्विवेदी हुई घायल। फांसी लगाकर महिला ने की आत्महत्या। चुराटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत चौरा गांव निवासी शशि तिवारी ने लगाया मौत को गले। रोहित साकेत नाम के युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। चिमरिया थाना क्षेत्र के पुरवा में हुई घटना। राह चलते दो बहनों के साथ आरोपियों ने की छेड़छाड़। पीड़ित की शिकायत पर ब्रजलाल साकेत और अशोक दुबे के खिलाफ गाली गलौज छेड़छाड़। SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत दर्ज हुआ मामला। गढ़ थाना क्षेत्र के पड़ुआ गांव की घटना। किसान के खेत से पाइप चुरा ले गए बदमाश। महुवन थाना क्षेत्र के कमलेश कुशवाहा निवासी पैप खार के खेत में हुई चोरी। किशोरी के साथ ठुर्रिया निवासी जाकिर हुसैन ने की छेड़छाड़। विरोध करने पर गाली गलौज करते हुए की मारपीट। पीड़िता की शिकायत पर शाहपुर थाना पुलिस ने दर्ज किया छेड़छाड़ मारपीट की धाराओं के तहत मामला। नई गढ़ी थाना क्षेत्र में आया दहेज प्रताड़ना का मामला। पीड़िता रेखा मिश्रा की शिकायत पर सास फूलकली मिश्रा ससुर पति के खिलाफ हुई शिकायत। पुलिस जांच में जुटी। टायर टूटने से गिरा युवक को उपचार के दौरान हुई मौत। नई गढ़ी थाना क्षेत्र के दुबी साहपुर निवासी शिवा केवट ने गंवाई अपनी जान। बाइक सवार बदमाशों ने फिर मचाया आतंक। चाकर थाना क्षेत्र के बथेड़ी तिराहे में हुई लूट। महेंद्र सिंह गरवार निवासी सोनौरा का बैग छीनकर भागे बदमाश। बैग में 90,000 रुपए रखे होने की सूचना। पुलिस तलाश में जुटी। अमैया पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर सट्टा कारोबारियों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपी राकेश सोंधिया और दिलीप गुप्ता के खिलाफ सट्टा एक्ट के तहत दर्ज किया गया प्रकरण। आरोपियों से नगरी सट्टा पर्ची बरामद। युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। लौर थाना क्षेत्र के पटपरा निवासी गीता केवट ने फांसी लगाकर मौत को लगाया गले। कारण अज्ञात। पुलिस जांच में जुटी। नगर निगम के स्टोर रूम में लगी आग। 3 दमकल वाहनों के साथ कर्मचारियों ने आग पर पाया काबू। कारण अज्ञात। सुहागी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मांझी टोला में आबकारी विभाग की दबिश। 2 घरों में दबिश देकर 350 किलो महुआ लहान बरामद। आबकारी एक्ट के तहत दर्ज किया गया मामला। जिले भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार।